कोरोना को लेकर विस्तृत रूप से सरकार के द्वारा जो सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं उस पर विशेष चर्चा हुई। खास तौर पर ऋषिकेश और टिहरी का वो क्षेत्र जहां से काफ़ी मात्रा में विदेश से लोग आ रहे हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई। भविष्य में हम क्या क्या और कर सकते हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई कि हम चलते हुए आगे आवश्यकता के अनुरूप स्टेडियम इत्यादि को भी उपयोग करेंगे। हम लोग गढ़वाल मंडल कुमाऊं विकास मंडल निगम के गेस्ट हाउस का भी उपयोग करेंगे। हम लोग वेंटिलेटर कहाँ से प्राप्त होंगे इस पर भी हम लोग प्राप्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया कि सभी माननीय विधायकगण अपने अपने ज़िले में सीएमओ को अपनी विधायक निधि के अंतर्गत 15 लाख रुपए देंगे। वो कोरोना से संबंधित सीएमओ आवश्यकता के अनुसार क्या ज़िले में आवश्यकता है, कोरोना से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ और अन्य प्रकार के जो खरीदने की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर हैं, जो भी उपलब्धता होगी वो उसको लेंगे। ये भी एक जरूरत के अनुसार स्टेज फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेज अभी भारत में नहीं आई, लेकिन थर्ड स्टेज का जो अध्ययन हुआ उसकी आवश्यकता का रूप अगर आवश्यकता पड़ेगी, हमने इस तैयारी को किया है और इस तैयारी में हम जितने पूरे राज्य में दोनों हमारे निगमों के गेस्ट हाउस उन सबको तैयार रखने के लिए निर्देश कर दिया गया है। पैसों की 50 करोड़ की उपलब्धता हो गई है, 10 करोड़ एक्स्ट्रा उपलब्ध हो गए हैं, इससे अलग जितने पैसों की कोई वो नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि हमारे लिए जनता हमारी है, जिस रूप में हम लोग किसी भी रूप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। हाउस देहरादून में होगा ये निर्णय कल हो गया था। हर विधायक को 15 लाख रुपए अपने ज़िले में देगा, आवश्यकता अनुसार वो उस विधानसभा में ही उपयोग करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जिले में भी खर्च होगा वो पैसा।